नमस्कार। आज के समाचार। सिरसा में किसानों की महापंचायत, हजारों की संख्या में पहुंचे किसान। पिछले दिनों सिरसा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा व सांसद सुनीता दुग्गल के घेराव मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर आज सिरसा में किसान महापंचायत हुई, जिसमें किसान मोर्चा के राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेताओं ने भाग लिया। किसान महापंचायत को लेकर सिरसा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अज इनी धुप ते गर्मी दे विच इस पंडाल दे विच पहुंचे हैं मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरे हम उम्र, मेरे भरा, मेरिया मतावा, मेरिया भेड़ा। मैं इन्हां नूं सब नूं फते अर्ज करता, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे भराओ, ये जो किसान अंदोलन दे नां ते अंदोलन उठिया, किसान नूं बचाउण वास्ते, मजदूर नूं बचाउण वास्ते, मैं समझदा ये अंदोलन हुण देश नूं बचाउण वास्ते बन चुका है, लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते बन चुका है। ये जिहड़े दिल्ली दे फराक ते बैठे ने साडे भरा लखां दी तादाद दे विच, ये देश नूं बचाउण वास्ते बैठे ने, लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते बैठे ने। ये परमात्मा दी देन है अंदोलन। ये काले कानून बनाउणे सन, ये अंदोलन उठना सी, इस बहाने देश बचना सी। इते मोदी जिहड़ा तानाशाह बन के बैठा होया है, हुण तक कदे दा ये चार टुकड़िया ने मेरे देश नूं वंड दिंदा और दे दिंदा इक अंबानी नूं, इक अडानी नूं और कुत्ते के कबीले नूं दे दिंदा। ये परमात्मा दी देन है। ये मोदी जिहड़ा आखदा है ये अंदोलन जीवी आ, असीं स्वीकार करदे आ, असीं अंदोलन जीवी आ, असीं ओह अंदोलन जीवी आ जिन्हां भारत देश नूं आजाद कराया, असीं ओह अंदोलन जीवी आ। इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लाई, असीं वध तों वध जेलां भर के एमरजेंसी नूं वापस करवाया, असीं ठीक ही अंदोलन जीवी आ। अज ओह अही अंदोलन जीवी इस देश नूं बचाउण वास्ते, इस लोकतंत्र नूं बचाउण वास्ते दिल्ली दी बरूहां दे लखां दी तादाद विच बैठे आ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਮ ਭਰਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਲੜੀ ਸੀ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਕਦੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਟੇਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿੱਤ ਮੇਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਵਾਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਭਾਰਤ। भाजपा प्रदेश सचिव प्रोफेसर रविंद्र बलियाड़ा समिति के सदस्य नियुक्त। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा में आगामी पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर प्रदेश स्तरीय पंचायती राज चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया है, जिसमें उन्होंने रतिया के पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश सचिव प्रोफेसर रविंद्र सिंह बलियाड़ा को पंचायती राज चुनाव हेतु गठित प्रदेश स्तरीय प्रबंधन समिति का सदस्य नियुक्त किया है।
जथेदार दादूवाल पहुंचे नखाटिया। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की 400वीं प्रकाश दिवस शताब्दी को समर्पित और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य के रूप में गुरजीत सिंह औलख नखाटिया की नियुक्ति के उपलक्ष्य में गुरु जी का शुक्राना समागम गांव नखाटिया में आयोजित किया गया। इस दौरान हजूरी जत्था दादू साहेब ने कीर्तन से संगत को निहार किया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जथेदार बलजीत सिंह दादूवाल ने संगत के साथ गुरमत विचार साझा किए। समागम में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपाध्यक्ष सरदार सवर्ण सिंह रतिया, गुरचरण सिंह चिमू, कार्यकारी सदस्य सोहन सिंह गरेवाल, पलविंदर सिंह गुराहा, गुरजीत सिंह औलख, बाबा कुलदीप सिंह बेगूपुर, बाबा हकीम सिंह खुंबर अध्यक्ष, शहीद बाबा दीप सिंह ग्रंथी सभा हरियाणा, भाई परमजीत सिंह आदि मौजूद।